बगहा में मगरमच्छ के हमले से एक किसान हुआ जख्मी। घटना सोमवार की रात्रि की बताई जा रही है, जबकि रात के 9 बजे खेत से वापस आने क्रम में हरहा नदी पार करते समय मगरमच्छ ने किसान पर हमला किया। किसान जमुनापुर गांव के 50 वर्षीय परमा मुसहर हैं। मोहनपुर थाना क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक सिरसा में अपराधियों द्वारा पिस्टल के नोक पर लाखों रुपए की लूट की गई। वहीं इस घटना की जानकारी देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट को होते ही सक्रिय हुए और देवघर जिला के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस तैनात कर दिया गया। हालांकि घटना के एक घंटे बाद भी अब तक किसी प्रकार की सूचना नहीं मिल पाई है। ग्रामीण विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र गोड्डा के प्रांगण में ग्रामीण कल्याण सम्मेलन के तहत शिमला हिमाचल प्रदेश से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किसानों को दिखाया गया। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज गोड्डा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के दिन नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन गोड्डा के द्वारा जागरूकता अभियान निकाला गया, जिसमें शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर घूमकर लोगों को तंबाकू से होने वाले जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूक किया गया। उपलक्ष्य में रैली निकाली गई जागरूकता रैली, जो कि कारगिल चौक से होते हुए वापस जाएगी। गोड्डा के ग्राम जोगनाडी से अवैध बालू लोडेड ट्रैक्टर को मुफसिल थाना पुलिस ने छापेमारी कर पकड़ा। वहीं की जा रही बड़ी कार्रवाई। झारखंड विधानसभा रांची में पोड़ैया हाट के पूर्व विधायक प्रशांत मंडल के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि सभा की गई, जहां कई विधायक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोड़ैया हाट के पूर्व विधायक प्रशांत मंडल के निधन पर शोक जताया और झारखंड विधानसभा रांची में पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र देकर श्रद्धांजलि दी। ससुराल आए एक व्यक्ति की कुएं में गिरकर हुई मौत, परिजन लगा रहे हैं हत्या का आरोप। पीरपैंती प्रखंड के रिफातपुर सुमानपुर में पंकज चौधरी की हुई मौत। पीरपैंती प्रखंड के महेश राम नगर पंचायत स्थित शेरमारी में कृषि विभाग उद्यान निर्देशालय के तत्वाधान में जैन इरीगेशन सिस्टम लिमिटेड द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए LED वैन एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इतना दूर हमारे पीरपैंती क्षेत्र में चल कर आई हैं, इतने लोगों के बीच क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर क्या चीज का, क्या 10 को किसी चीजों के बारे में समझाना है तो फिर डरना नहीं। बेतिया के मझौलिया में पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष अशोक कुमार शाह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर वाहन तलाशी के क्रम में अम्बा मझधार के रास्ते में एक स्कॉर्पियो गाड़ी सहित 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जनप्रतिनिधियों ग्रामीणों के सहयोग से मझौलिया पुलिस देशी शराब कारोबारियों पर नकेल कसते हुए शराब बनाने के उपकरण को जब्त किया। ग्रामीणों ने शराब न पीने का लिया शपथ। विगत 4 दिनों से धान की बीज के लिए किसान भवन का चक्कर लगा रहे हैं बेतिया के किसान, अब तक बीज नहीं मिला। चल रहा है, किसान लोगों को खेत में अपना बीज गिराना है। किसान प्रखंड कार्यालय जो कृषि कार्यालय है वहां दौड़ रहा है किसान बीज के लिए। और खबर पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से, जहां रामनगर के नगर क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाने के लिए आज तीसरे दिन भी चला बुलडोजर। नगर परिषद द्वारा SDM साहब SDM बघा के निर्देश के आलोक में 27 से 31 अतिक्रमण का अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभी अभियान के क्रम में कृष्णा सोनी जी हैं जिनको बार बार बोला गया। राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा होते ही पश्चिम चंपारण जिले के नारकटियागंज में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। बेतिया में भाजपा कार्यकर्ता ने पुनः सतीश चंद्र दुबे को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की खुशी में जश्न मनाया गया। द्वारा राज्यसभा सांसद बनने पर सभी युवा को बहुत बहुत बधाई और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, प्रदेश सदस्य संजय जायसवाल जी। भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्बान गांव में 17,000 लीटर वाली बड़ी टैंकर बाल बाल बची। बताया जा रहा है कि 18,000 लीटर वाली गैस टैंकर उर्मिला भारत गैस एजेंसी कुर्बान जा रही थी, जहाँ एजेंसी ने 200 मीटर दूरी पर ही
भरी गैस टैंकर पलटने से बाल बाल बच गया। तो गाड़ी का देख ही रहे कि ऐसे 1000 फुट वाला गाड़ी है, इस रोड में जा रहा है, कितना खतरनाक। हम लोग को जितना हल्दिया से आने में दिक्कत नहीं होता है, उतना यहाँ से इतना दूर आने में मैंने पसीना छूट जाता है। 500-700 किलोमीटर गाड़ी जो चलाने में दिक्कत नहीं है। भागलपुर के कहलगांव के रसलपुर में दो गुटों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई, जिसमे एक की मौत हो गई जबकि 3 घायल है। भागलपुर के समीक्षा भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से गरीब कल्याण सम्मेलन का हुआ आयोजन। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन कल्याण आरोग्य योजना के तहत देश के कई हिस्सों से लाभार्थी इस सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। भागलपुर में हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के द्वारा बाबा बिंदेश्वर नाथ मंदिर में हवन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। हम लोग का भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति ने भागलपुर से हवाई जहाज उड़ान के लिए 33 दिन के आंदोलन से ये जुड़ा हुआ था और हमारे सांसद ने आंदोलन को स्थगित किया था कि हम लोग। बेलहर विधायक मनोज यादव ने कचहरी चौक भागलपुर के पास वन वे का उल्लंघन करने की कोशिश की। ASI लाल बहादुर यादव ने विनती कर उन्हें यातायात पालन करने का किया आग्रह। पुलिस ने कहा एफओ कंपनी के इलेक्ट्रीशियन की सड़क दुर्घटना में हुई मौत, परंतु विवेक को लगी थी सिर में गोली। मृतक के भाई ने कहा था पोस्टमार्टम मेरे आने के बाद कराना है, परंतु पुलिस और कंपनी की मिली भगत से पोस्टमार्टम तड़के सुबह 4 बजे ही करा दिया गया। रिक्वेस्ट करता हूँ सारे सीनियर अधिकारियों से, रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस प्रशासन से, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए। यदि ये दोबारा से पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो हम बॉडी को यहाँ पे रख के धरना देंगे। राजस्थान उम्मीदवारों ने किया विधानसभा में नॉमिनेशन, बाहर निकलने के बाद बीजेपी के नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व करे आभार जताया। बीजेपी के दोनों राज्यसभा उम्मीदवार शंभू शरण पटेल और सतीश चंद्र दुबे ने विधानसभा में किया नॉमिनेशन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए कांग्रेस की ओर से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव व राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती रंजीत रंजन ने आज नामांकन दाखिल किया। बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी का बयान, राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया, उम्मीद है कि दोनों प्रत्याशी और एनडीए के उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीतेंगे। सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल पर बोला जोरदार हमला, हम पहले तो राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन जुटाना है, या तो माले का समर्थन मिले या फिर कांग्रेस पार्टी का, तभी वो लड़ने लायक है। जो 3 उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल ने उतारे हैं उनके संख्या बल के मुताबिक 2 ही उम्मीदवार उतार सकते थे, लेकिन उन्होंने 3रा उम्मीदवार भी उतारा है जो उसमें किसी न किसी का समर्थन चाहिए। कौन है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 की टॉपर? श्रुति शर्मा। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में पहली रैंक हासिल करने वाली श्रुति शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। शर्मा का जन्म बिजनौर में हुआ था और उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की थी। मुझे रिजल्ट में टॉप करने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, यूपीएससी परीक्षा 2021 की टॉपर श्रुति। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 की टॉपर श्रुति शर्मा ने रिजल्ट में टॉप कर जाएंगी क्या इसे लेकर कोई उम्मीद थी? सवाल पर सोमवार को कहा मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कल से मैं काफी बेचैन थी रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं, थोड़ा डर भी था, लगातार फोन चेक कर रही थी, सब कुछ अचानक हुआ और चीजें बदल गई। इंटरव्यू के बाद लगभग रो दी थी, अच्छा नहीं गया। यूपीएससी परीक्षा 2021 की टॉपर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 की टॉपर श्रुति शर्मा ने बताया कि इंटरव्यू से पहले काफी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन इंटरव्यू के बाद माता पिता के सामने मैं लगभग रो दी थी कि अच्छा नहीं गया। उन्होंने कहा तथ्यों से जुड़े सवाल ज्यादा पूछे गए जो मुझे नहीं आते थे, तो मैंने कई जगह न बोला था, लेकिन अंत भला तो सब भला। यूपी में एम्बुलेंस और ट्रक की टक्कर में हुई 7 लोगों की मौत। बरेली में मंगलवार को एक एम्बुलेंस और ट्रक की टक्कर में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताया। 6 पीड़ित चेकअप के बाद दिल्ली से लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि एम्बुलेंस डिवाइडर पार करने के बाद सामने से आ रहे ट्रक से टकराई थी। झांसी उत्तर प्रदेश SSP शिवहरी मीना के निर्देश में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से अपराधियों में खौफ पैदा हो गया, जब अपराधी खुद ही थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं। बलिया उत्तर प्रदेश में 1 डबल मर्डर में से इलाके में हड़काम भागी थाना क्षेत्र के सोनावनी उत्तर टोले में डबल मर्डर केस के इलाके में हड़कम मचे, कुएं में बेटे का मिला था, वहीं घर में मिला बाप का शव। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में
आरोपियों की गिरफ्तारी न होने को लेकर पीड़िता ने ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर किया जोरदार प्रदर्शन। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला को दहेज के लिए किया प्रताड़ित, पति ने की मारपीट, निकाला घर से। उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर से बारात आने के बाद बारातियों ने व्यवस्था से नाखुश होकर बोलने लगे कि एसी नहीं है, कूलर नहीं है, कैसे करें शादी, बारात लेकर वापस चले गए, नहीं हुई शादी। हार्दिक पटेल 2 जून को भाजपा में होंगे शामिल, उन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी थी। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि अवंतीपोरा के राजपुरा इलाके में हुई एक मुठभेड़ में पुलिस और सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक इनमें से एक आतंकी घाटी में हुई कुछ नागरिक हत्याओं में शामिल था। पुलिस इन आतंकवादियों के पास से 2 AK-47 राइफल सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। आप सरकार बनने के बाद से पंजाब में कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। मनीष तिवारी, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सोमवार को कहा कि पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद से कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को पुलिस को विश्वास में लेने और पंजाब में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत है। रविवार को मानसा में मूसेवाला की हत्या हुई थी। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोविड-19 के 2338 नए केस, 2134 लोग हुए रिकवर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2338 नए मामले सामने आए, जबकि 2134 लोग इससे रिकवर हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय देश में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,24,630 हो गई, वहीं कुल 4,26,15,574 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या अब 17,883 हो गई। उनकी सेहत ठीक है, पुतिन के पास जिंदगी के 3 साल बचे हैं के दावे पर रूस के मंत्री। रूस के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास जिंदगी के 3 साल बचे हैं क्योंकि उनका कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। इस पर रूसी विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पुतिन की सेहत ठीक है। लावरोव ने कहा कि पुतिन को कोई बीमारी नहीं है। सावरकर के खिलाफ बोलना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूँ, मुझे गिरफ्तार करो, हनुमंत राव। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव के अनुसार आजादी का अमृत महोत्सव पर हैदराबाद तेलंगाना के सालारगंज संग्रहालय में आयोजित हुए एक समारोह के लिए दीवारों पर पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बजाय सावरकर की तस्वीरें लगाई गई। राव, बीजेपी कहती है कि सावरकर के खिलाफ बोलना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूँ, मुझे गिरफ्तार करो और जेल में डाल दो। गुरुग्राम में रेप के आरोपी समेत 2 कैदी कस्टडी से भागे पुलिसकर्मियों की मिलीभगत का संदेह। गुरुग्राम हरियाणा में सुभाष चौक के पास 2 कैदी पुलिस वाहन से फरार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा पुलिसकर्मियों की मिलीभगत पर संदेह है, फरार कैदियों का गैंगस्टर से कोई संबंध नहीं। पुलिस फरार कैदियों में से एक पर रेप और दूसरे पर लूट का मामला दर्ज है। भारतीय शेयर बाजार में 3 कारोबारी सत्रों में निवेशकों ने कमाए 10 लाख करोड़। भारतीय शेयर बाजार ने पिछले 3 कारोबारी सत्रों में निवेशकों ने करीब 10 लाख करोड़ रुपए कमाए। दरअसल पिछले 3 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स व निफ्टी क्रमशः 2176 व 635 अंक बढ़े। गौरतलब है कि सोमवार को सेंसेक्स करीब 1041 अंक चढ़कर 55,925 रुपए 74 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 312 अंक चढ़कर 16,661.40 पर बंद हुआ था। महंगाई व वित्तीय कुप्रबंधन मोदी सरकार के 8 वर्षों के पर्याय है, टीएमसी नेता भट्टाचार्य। पश्चिम बंगाल के मंत्री व टीएमसी नेता चंद्रमा भट्टाचार्य ने सोमवार को कहा कि अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन, उच्च महंगाई व संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 वर्षों के शासन के पर्याय है। उन्होंने कहा कि ये भी चिंताजनक है, संविधान को लगातार कमजोर किया जा रहा है और उसकी अवहेलना की जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद जैसे मुद्दों का समाधान कोर्ट व संविधान के अनुसार होगा, जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर कहा कि बीजेपी ने हमेशा देश के सांस्कृतिक विकास की बात की, लेकिन इन मुद्दों का समाधान संविधान के तहत व कोर्ट द्वारा किया जाएगा। समान नागरिक संहिता पर उन्होंने कहा कि सभी से समान व्यवहार होना चाहिए, सभी के लिए न्याय व किसी का तुष्टिकरण नहीं हमारा मूल सिद्धांत है। नेपाल में प्लेन क्रैश साइट से सभी 22 शवों का विमान के ब्लैक बॉक्स को किया गया बरामद। अधिकारियों के मुताबिक नेपाल में 4 भारतीय समेत 22 लोगों को ले जा रहा है तारा एयर का विमान मुस्तांग में जिस जगह क्रैश हुआ था वहां से सभी 22 शवों को बरामद कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने क्रैश हुए विमान के ब्लैक बॉक्स को भी बरामद किया है। गौरतलब है कि ये विमान रविवार को लापता हो गया था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हाई स्कूल में एक शिक्षिका पर आतंकियों ने चलाई गोली, हुई मौत। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मंगलवार को कुलगाम के गोपालपोरा इलाके में एक हाई स्कूल में आतंकियों ने एक हिंदू शिक्षिका पर गोलियां चलाई, जिसके बाद शिक्षिका की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शिक्षिका को काफी गोलियां लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।
दृष्टिबाधित सम्यक जैन ने यूपीएससी परीक्षा 2021 में हासिल की 7वीं रैंक। दृष्टिबाधित सम्यक जैन ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 7वीं रैंक हासिल की और जैन की मां प्रीलिम्स परीक्षा में उनकी सहायक लेखक थी। जैन ने कहा, मैंने कभी इतना बढ़िया रैंक की उम्मीद नहीं की थी। मैं अपने अभिभावकों और विशेष तौर पर अपनी माँ का आभारी हूँ जो इस पूरे सफर के दौरान मेरे साथ थी। शख्स की 35 रुपए के रिफंड को लेकर रेलवे से लड़ाई के चलते 3 लाख लोगों को मिलेंगे 2,43,00,000 कोटा। राजस्थान के सुजीत स्वामी नामक इंजीनियर ने जीएसटी व्यवस्था लागू होने से पहले टिकट रद्द करने के बावजूद रेलवे द्वारा वसूले गए 35 रुपए सर्विस टैक्स को वापस लेने को लेकर 5 साल तक लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई के चलते अब 2,98,000 लोगों को रिफंड में 2,43,00,000 मिलेंगे। स्वामी ने मामले में 50 आरटीआई अर्जियां दायर की थी। टॉयलेट बाथरूम के प्रोडक्ट बताकर स्टोर किया गया 11,07,00,000 का लाल चंदन गुजरात में बरामद। राजस्व असूचना निदेशालय ने अहमदाबाद स्थित कंटेनर डिपो में एक कंसाइनमेंट में लाल चंदन की 11,70,00,000 की कीमत के 14.63 मेट्रिक टन लकड़ियां जब्त की हैं। डीआरआई अधिकारियों को सूचना मिली कि निर्यात से जुड़े कंसाइनमेंट में देश से बाहर तस्करी के लिए टॉयलेट व बाथरूम के प्रोडक्ट बताकर लाल चंदन की लकड़ियाँ स्टोर की गयी। 24 राज्यों यूटी के 70,000 से अधिक पेट्रोल पंप डीलर आज से कंपनियों से नहीं खरीदेंगे ईंधन। डील कमीशन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 70,000 प्लस पेट्रोल पंप डीलर मंगलवार को तेल कंपनियों से ईंधन नहीं खरीदेंगे। दिल्ली पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि कंपनियों व विभिन्न डीलर एसोसिएशन के बीच समझौते के तहत हर 6 माह पर डीलर मार्जिन में वृद्धि प्रस्तावित है, लेकिन ये 2017 से नहीं बढ़ाया गया है। पीएम ने आयुष्मान भारत योजना के जरिए 10 करोड़ प्लस परिवारों को दी सुरक्षा व्यवस्था। मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ से अधिक परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के जरिए स्वास्थ्य सुरक्षा देने का कार्य किया। उन्होंने लिखा, इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 5,00,000 तक का इलाज मुफ्त करवाया जा रहा है। मांडविया देश के गरीब वर्ग के लिए ये योजना संजीवनी बनकर उभरी है। अब आपकी मोहल्ले वाली दुकान बन सकती है मोहल्ले वाली बैंक। इजी कैश पॉइंट आपको कम खर्च में CSP खोलने का मौका देता है, जिसके जरिए आधार कार्ड द्वारा किसी भी बैंक से पैसे निकालने, जमा करने और मोबाइल DTH और इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज करके आसानी से 15,000 से 20,000 तक का कमीशन कमा सकते हैं। तो CSP ID के लिए आज ही कॉल करें 7726006565 पर और बनिए मोहल्ले का मिनी बैंक।